गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक। और ये एक वीडियो छोटा सा मैं लेके आ गया। एक हमारे स्टूडेंट्स हैं पवन कन्नौजिया जी, तो उन्होंने पूछा कि सर आप कमेंट्स तो आप लोगों के आते ही रहते हैं, मैं लगभग सबके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। तो अभी आज ही आया कमेंट एक नोएडा से कि वो अपने बच्चे को रेडियो टीवी में नोएडा कहाँ से पढ़ाएं। तो नोएडा में भी कॉलेज हैं, जैसे गाजीपुर में तो रेडियो टीवी के 5 ही कॉलेज हैं जहाँ पर इस रेडियो टीवी को पढ़ाया जा सक पढ़ते हैं। ट्रेड है 12 में यूपी बोर्ड में, और जगह तो नहीं है, 5 ही जगह है, 5 कॉलेज, भोलकुड़ा, मरदा, मलसा, मलिकपुरा और एक आपका आदर्श इंटर कॉलेज, ये ही है 5। तो देखिए, टीचिंग में तो छात्रों मुख्य रूप से मैं पवन कन्नौजिया जी आपको कहना चाहूँगा कि मैं लाइक सब्सक्राइब इस पर इसलिए नहीं मांगता, 2018 से ही ये चैनल मेरा बनाया हुआ है। आप इसको चाहें तो गूगल पे देख लें, दीपक सिंह लक्स, एक दीपक सिंह लक्स करके मैंने चैनल बनाया था। फिर मैं भूल भी गया, इसमें 2-3 वीडियो मैंने डाले थे जो कि लक्स को डिफ़ाइन करते थे कि लक्स जो है साबुन नहीं होता, ये बेसिकली लाइट इंटेंसिटी की यूनिट है। जैसे ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर आप लेते हैं, बल्ब LED खरीदते हैं तो ल्यूमेन लिखा रहता है 7 वाट का 700, 5 वाट का 500 या 20 वाट का 2000, तो वो लक्स है। तो लक्स को आप स्टडी करें, ये इंटर की चीज़ है। और दूसरा दीपक सिंह RHA 19 में मैंने बनाया था अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, तो RHA नाम लिया था, ये राइस हस्क ऐश इसको कहते हैं, राइस हस्क ऐश, ये करीब 24 माइक्रान की होती है और ये हवा में उड़ती है। ये थर्मल पावर प्लांट जो बायोमास है गाजीपुर में है 15 मेगावाट, तो ये इसकी धूल उड़ती है और ये समस्या करीब 10 साल से है, 10-12 साल से। और ये पहले, अब तो मास्क आ गया कोरोना की वजह से, नहीं तो पहले लोग 24 माइक्रान की ये पेड़ पशु पक्षी आदमी आँख में पड़ जाए तो और ख़तरनाक हो जाती थी ये। तो ये लक्स और RHA दो हमारा टॉपिक है जो कि अभी तक मेरी समझ में भी नहीं आया कि इसको क्या सॉल्व किया जाए कैसे। और प्ले लिस्ट एक है मान लीजिए लक्स एंड RHA, अगर आप इसको भी डालेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मुझे इसके और बस ये वीडियो बनाना आता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था, बताना था, अपनी बात कहनी थी। तो देखिए, टीचिंग मैं 94 से कर रहा हूँ तो उसमें मैं अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाता आया हूँ कि एक टीचिंग तो ब्लैक बोर्ड की होती है आपकी, दूसरी दृश्य और मतलब वीडियो आप कह लीजिए, और एक ऑडियो जो श्रव्य हो, सुनने लायक हो। चौथा होता है टूर, टूर जो है ये इंटरेक्शन कराता है छात्रों को दूसरे लोगों के साथ, वहाँ के नेचर के साथ। मैं ले गया हूँ कई बच्चों को टूर में, हरिद्वार ले गया था जब उत्तराखंड की आपदा आई थी उसी समय, तो वो बच्चे मेरे आज भी बड़े सक्सेस हैं। उनका नाम मैं लूँगा तो एक पिंटू भट्ट है और एक दीपक गुप्ता है और एक मुकेश पासवान। मैं 3 लोगों को लेकर हरिद्वार में 9 दिन रहा हूँ, और 9 दिन रह के वहाँ पर हम लोगों ने अपना इंटरेक्शन भी किया। और बाबा रामदेव का उस 2000 आज से जब उत्तराखंड का आपदा जब बादल फटा था तो वहाँ से हम लोग चल लिए थे, मतलब 15 दिन पहले आ गए थे घर, तो उस साल की घटना है ये। तो टीचिंग तो वही ब्लैक बोर्ड है, ऑडियो है, वीडियो है और टूर, ये अगर 4 चीज़ें हैं तो टीचिंग बहुत अच्छे से होती है। अब तो चार सब चीज़ें हैं, तो ऑडियो वीडियो में मेरे 19 के पढ़ाए हुए पास आउट लड़के हैं जो कि दीपक सिंह RHA पे, उन्होंने लक्स एंड RHA पे पूरा पढ़ा और वो बड़े आराम से पास हुए। अब तो खैर कोरोना काल है तो मान लीजिए 20-21 ये सब तो कोरोना में ही पढ़ाया गया, इसी से तरीके से पढ़ाया गया, वरना लक्स और दीपक सिंह RHA से मैं अपने बच्चों को 2019 में भी, मेरे बच्चे जैसे दया राजभर हुए, रजनीश यादव हुए, ये लोग 75-76% लेके पास हुए हैं नंबर। और वीडियो से जो कि टेक्निकल पेपर है, इसमें टेक्निकल आंसर हैं आपके, बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमा के कुछ बोलना नहीं, इतिहास, भूगोल, चाहे भौतिक विज्ञान वगैरह, मैथ, तो सिंपल सर्किट है, सिंपल चीज़ है, अगर एक बार समझ में आ गई तो आप बोल लेंगे, उतना बोलेंगे तो आपको नंबर निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। प्रैक्टिकल भी इसके अंदर अच्छा मिल जाता है, बच्चे प्रैक्टिकली भी, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छा मिल जाता है।
तो इसके बारे में हमने आपको वीडियो भी दिया है कि क्यों व्यावसायिक शिक्षा पढ़ें। देखिए, सरकार भी आजकल जोर दे रही है स्किल को और आईटीआई को, दोनों को मिला के व्यावसायिक शिक्षा वो भी चाह रही है कि प्राइमरी स्तर से शुरू हो और इंटर तक व्यावसायिक शिक्षा एक तरह से सबको मतलब आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा की तरफ अग्रसित किया जाए। अब आने वाली शिक्षा में भी अब बहुत ज़्यादा साइंस का आर्ट का मतलब नहीं रह जाएगा, टेक्निकल आपके पास स्किल क्या है इसका महत्व रहेगा कि आप सामान्य आधारित विषय में आप अपने समाज को जानते हो, उद्योग लगा सकते हो, लगवा सकते हो, आप अपना स्वरोजगार कर सकते हो या खुद जाके अपनी प्राइवेट नौकरी अपने आप से खोज के कर सकते हो किसी से मांगने की। जब हाथ में स्किल रहेगी, आपको धान बोने आ रहा है तो आप किसी गांव में जाके किसानी कर सकते हैं, और जब नहीं आ रहा है तो फिर आपको 100 बीघा भी दे दिया जाएगा तो बेकार है। तो आपके हाथ में जब स्किल रहेगी तो आप निश्चित रूप से आप अपने आप को खुद ही बेरोज़गार नहीं मानोगे। बेरोज़गार तो वो होगा कि जो अपने अपनी सोच रखता होगा, अपनी वो एक सोच रख रहा होगा कि नहीं हम बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गार तो कोई नहीं है बेसिकली, अगर आप देखा है ध्यान से तो 10-10 हज़ार रुपये के लिए लोग चले जाते हैं गांव छोड़ के, जबकि 10-15 हज़ार रुपये तो गांव में ही कमाया जा सकता है। आज की डेट में बहुत से रास्ते हैं और जिनको लोग आजमा नहीं रहे हैं, सिर्फ अपना वही कि हम बीए कर लिए, एमए कर लिए, ऐसी बात नहीं है। डिग्रियों के हिसाब से सरकार पर ज़्यादा भरोसा ना रखें, आप अपने आप पर भरोसा रखें, अपने बाजू पर भरोसा रखें और अपनी जो आप सीख रहे हैं उस पर आप भरोसा रखें। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स छोटी सी दुकान भी देख रहे होंगे, लोग रख के चला रहे हैं मोबाइल रिपेयर और उसी में तो कंप्यूटर आ जाए सब बना रहे हैं, आधार से पैसा दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि वो रोज़ 1,000 रुपया कमा ले रहे हैं, वो उतने इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्ञान से, थोड़ा सा ज्ञान है उनके पास इंटर लेवल का है। तो आईटीआई कर लीजिए तो हाई स्कूल आ जाएंगे, तो इंटर लेवल का ही ज्ञान से उनका दुकान चल रही है, अपना खर्चा पूरा बढ़िया से चला रहे हैं और लैपटॉप भी बनाने लगे, तब तो खैर बहुत हो गया। यहाँ हम तो बेसिक जानकारी देते हैं आपको ताकि आप लैपटॉप तक आसानी से धीरे धीरे सीख के बना लीजिए, कंप्यूटर सीख लीजिए, टाइपिंग सीख लीजिए, ये सब 6-6 महीने की चीज़ें हैं, इसको आराम से सीख के अपनी स्किल को 2 साल में एकदम से बढ़ा के और चाहे तैयारी कर लीजिए, सिपाही भर्ती एनसीसी मिल जाती तो एनसीसी कर लीजिए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, आपको पूरा समय 2 साल का मिलेगा और ये समय निकल जाएगा छात्रों तो फिर कभी आएगा नहीं। बाद में आप मेरी इस वीडियो को सुनते रहिएगा ध्यान से, मैं जो कह रहा हूँ एकदम सत्य है। मैं चूँकि अब 25-26-27 साल का अनुभवी हो चुका हूँ, मेरी लड़की खुद एक बैंक में एसओ एक गजेटेड पोस्ट पे आ गई है, दूसरी एमबीए कर रही है, तो अब मेरे पास एक अनुभव अच्छा खासा है। उस अनुभव के आधार पे एक्सपीरियंस विथ एक्सपीरियंसेस से मैं कह रहा हूँ आपको, अनुभवों से कह रहा हूँ कि आप लोग अब इस 2 साल को एकदम मत गवाइए। नहीं भी पढ़े हों तो व्यावसायिक शिक्षा आपके लिए द बेस्ट है। 2 साल बढ़िया तैयारी, बढ़िया स्किल हाथ में, सब तरफ से मजबूत होके आप एकदम अपना 2 साल में अपने आप को बना लेंगे। 3 साल अगर और दे देंगे बीए वगैरह में तो उसमें भी एनसीसी मिल जाती है, मिल गई तो फिर आप अपना करियर पूरा खड़ा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप बेरोज़गार नहीं हैं। मैनी मैनी थैंक्स, कल स्कूल में मिलते हैं।